जो अपने आप को भूमिहार मानने को तैयार नहीं है तो बेगूसराय का वोटर उनको भूमिहार कैसे मान सकते हैं? वो आज भी अफजल को अपना आदर्श मानते हैं, वो आज भी पाकिस्तान की बात ज्यादा करते हैं, भारत हिंदुस्तान की बात कम करते हैं। तो देशद्रोही के लिए कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला कार्यालय तो हमारे पास है नहीं। इस देश की जनता ये तय कर चुकी है कि वो कन्हैया कुमार देशद्रोही है। भूमिहार कुल में जन्म लिए, जिसका मुझे भी अब तक संदेह ही है, एक भूमिहार कभी देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। एक भूमिहार जो सच्चा देशभक्त होता है, इस देश के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। कलंक का टीका बेगूसराय अपने माथे पर न ले, इन्होंने अपना जात पहले ही बेच दिया है। मैंने पहले भी कहा था कन्हैया को, जब ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, तो हमने तो कहा था कि जाकर पहले अपने बाप से लड़ लो, अपने जीजा से लड़ लो, अपने भाई से लड़ लो, अपने चाचा से लड़ लो, वो भूमिहार ही है, वो ब्राह्मण ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं कोमल आर्या। बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया पर अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अटैक हुआ है। अटैक करने वाले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के मुख्य संरक्षक आशुतोष कुमार है। जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे आशुतोष कुमार ने कहा है कि अफजल गुरु जिसका आदर्श है, उस कलंक को बेगूसराय की जनता अपने माथे पर लगने नहीं देगी। आशुतोष ने यहां तक कहा है कि कन्हैया के भूमिहार कुल में जन्म लेने पर भी मुझे संदेह। देखिए आशुतोष कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बेगूसराय सीट पर देश भर की निगाहें टिकी है, ऐसे में आप तक क्या सूचना पहुंच पाई है? निश्चित रूप से बेगूसराय पर देश की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ देश के हित की बात करने वाले लोग हैं, देश का हित चाहने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर देश का अहित चाहने वाले, देश का टुकड़ा करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से देश की निगाहें बेगूसराय पर टिकी है। बेगूसराय में भूमिहार वोटरों की जनसंख्या सबसे अधिक है। एनडीए के गिरिराज सिंह जी और सीपीआई के कन्हैया कुमार दोनों ही भूमिहार हैं। ऐसे में भूमिहार वोटर के बिखरने की आशंका है, आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए ये भी तय है कि चाहे वो गिरिराज बाबू हैं, वो भूमिहार हैं, और दूसरे जो सीपीआई के आपने कैंडिडेट की बात करी, वो भी जन्म भूमिहार समाज में ही लिए, लेकिन वो तो भूमिहार मानने को तैयार नहीं है। उनकी लड़ाई तो भूमिहारवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। उनकी राजनीति सामंती, शोषक, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, भूमिहारवादी, आपको अफजल गुरु, रोहित बेमुला, इसी के इर्द गिर्द में घूमती है। तो जो अपने आप को भूमिहार मानने को तैयार नहीं है, तो बेगूसराय का वोटर उनको भूमिहार कैसे मान सकते हैं? उन्हें भूमिहार मानने को तैयार नहीं है। आपने कहा था कि कलंक का टीका लगने नहीं देंगे, मतलब आप भी ये मानते हैं कि कन्हैया कुमार के माथे पर लगा देशद्रोही का दाग धुलने वाला नहीं है? देखिए, देशद्रोही का दाग लगना मतलब कि काजल की कोठरी से निकल कर आना। ये बात सत्य है, इस भारत देश में भारत के नागरिक जितना इस देश से प्यार करते हैं, उतना शायद अपने घर परिवार से भी प्यार नहीं करते हैं। और जिसके ऊपर इस देश में एक बार देशद्रोही का जिसके माथे पर ठप्पा लग जाता है, वो मिटना बहुत मुश्किल होता है। और मिटेगा कैसे? वो आज भी अफजल को अपना आदर्श मानते हैं, वो आज भी पाकिस्तान की बात ज्यादा करते हैं, भारत हिंदुस्तान की बात कम करते हैं। तो देशद्रोही के लिए कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला कार्यालय तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इस देश की नागरिक, इस देश की जनता ये तय कर चुकी है कि वो कन्हैया कुमार देशद्रोही है। आखिर क्या वजह है कि कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से है और इसके बाद भी आप उनका विरोध कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि जानकारी, मेरे जानकारी के मुताबिक और आपके जानकारी के मुताबिक, भूमिहार कुल में जन्म लिए, जिसका मुझे भी अब तक संदेह ही है, क्योंकि एक भूमिहार कभी देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। एक भूमिहार जो सच्चा देशभक्त होता है, इस देश के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। एक भूमिहार जेएनयू में अफजल गुरु के पक्ष में नारे नहीं लगा सकता। एक भूमिहार भूमिहारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर सकता। हमें भूमिहारों को सामंती, शोषक, मनुवादी का तगमा नहीं दे सकता। इसलिए
मैं नहीं मानता हूँ कि भूमिहार है, और भूमिहार के नाते भूमिहार कुल में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उस संस्कार को निभाना भी पड़ता है। जो भूमिहार समाज में भूमिहार कुल में जन्म लेने वाले बच्चे जिस संस्कार में पलते बढ़ते हैं, उनके दिल में जो भावना होती है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो भावना जागृत करनी होती है। सिर्फ भूमिहार कुल में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए भूमिहार के नाम पर समर्थन कन्हैया को नहीं मिल सकता। आप बेगूसराय के भूमिहारों से क्या अपील करेंगे? बेगूसराय के भूमिहारों से मैं यही अपील करना चाहूंगा, भूमिहारों के साथ साथ जो भी एक समाज में समन्वय बनाकर चलने वाले जो लोग हैं, जो वर्ग है, जो जातियां हैं, जो समुदाय हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मृत प्राय हो चुके वामपंथ को और उसके विचारधारा को जिंदा करने का कलंक बेगूसराय की जनता अपने माथे पर न ले, अन्यथा वामपंथ जो आज मृत प्राय है, जो मरण सैया पर पड़ा हुआ है, वो अगर जीवित हो गया तो चंद ही वर्षों के बाद इस देश पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकियों का और चाइना के द्वारा जो इस देश के भीतर जो नक्सलवाद फैलाया जाता है, उन नक्सलवादियों का राज होगा, और उसके बाद फिर सवर्णों के खिलाफ भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, शेख, सैयद, पठान, कायस्थ, इनके विरुद्ध कानून बनाए जाएंगे, और उसके बाद आप पर बरपाया जाएगा कहर। बाद में बेगूसराय ही नहीं, पूरे देश को इसका दंश झेलना पड़ सकता है, इसलिए ये कलंक का टीका बेगूसराय अपने माथे पर न ले, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा बेगूसराय वासियों से। लेकिन आशुतोष जी, कन्हैया के समर्थक तो कह रहे हैं कि भूमिहारों का वोट भी उन्हें मिल रहा है। कन्हैया के समर्थक तो यह भी कह रहे हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप जी भी सपोर्ट करने आ रहे हैं। स्वतंत्र है कहने के लिए कोई भी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बेगूसराय के लोगों से हमारी भी बात होती है, हमारे संगठन के भी लोग हैं, सक्रिय हैं, हर गांव में लोग हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है, अभी ये न घर के रह गए, न घाट के रह गए, ना इनको एनडीए का समर्थक वोट करने जा रहा है, ना ही यूपीए के कैंडिडेट रहे, और इनका जो आधार वोट था जिसको जाति वोट बोला जाता है, तो इन्होंने जात तो अपना पहले ही बेच दिया है, इन्होंने अपना जात पहले ही बेच दिया है। मैंने पहले भी कहा था कन्हैया को, जब ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, तो हमने तो कहा था कि जाकर पहले अपने बाप से लड़ लो, अपने जीजा से लड़ लो, अपने भाई से लड़ लो, अपने चचा से लड़ लो, वो भूमिहार ही है, वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणवाद और भूमिहारवाद के खिलाफ लड़ना है तो सबसे पहले अपने बाप से लड़ो, अपने हुए मरे हुए दादा परदादा से लड़ लो, अपने गोतिया से लड़ लो, अपने ग्रामीणों से लड़ लो, भीहट वालों से, उसके बाद पूरे भारत के ब्राह्मणों से लड़ने की बात करो। तो क्या आशुतोष जी, आप ऐसे माहौल में बेगूसराय जाकर गिरिराज सिंह के लिए प्रचार करना पसंद करेंगे? गिरिराज सिंह जी के लिए प्रचार करने जाऊं या न जाऊं, लेकिन कन्हैया जैसे गद्दार से लड़ने के लिए हमें अगर इस्लामाबाद और लाहौर भी जाना पड़ेगा तो वहां भी जाकर हम लड़ेंगे और प्रचार करेंगे उसके विरुद्ध में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे और है जी, आप जहानाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आपकी स्थिति क्या है वहाँ? देखिए, अभी हम स्वघोषित उम्मीदवार नहीं बनना चाहते, हम खुद ही उम्मीदवारी तय करके और समाज के नाम पर, जात के नाम पर जहानाबाद में घूमकर लोगों को कहेंगे कि आप मेरी वोट, मुझे वोट दीजिए, तो ये समाज की और जहानाबाद के लोगों की बाध्यता नहीं है। इसलिए अंतिम चरण में चुनाव है, हम जहानाबाद के 250 गांव का, 300 गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार निकले हुए हैं, लगभग 4-5 दर्जन गांव का दौरा हो भी चुका है, घोसी में, उल्लासगंज में, अतरी में, आपको अरवल में, कुर्था बंसी प्रखंड में। फीडबैक मैं लोगों के बीच में, चूंकि मैं भी इस क्षेत्र का एक वोटर हूँ, ईवीएम मशीन पर नजर दौड़ाता हूँ तो मेरे सामने भी कोई बटन दिखाई नहीं देता है कि कौन से बटन पर अपना उंगली दबाऊं, किसे वोट करूं। उस नाते मैं लोगों के बीच में जाकर समाज की अपेक्षा, मनसा जानने का प्रयास करता हूं, तो समाज के लोगों की इच्छा है कि आप ही चुनाव लड़ें। मुझे लगता है मुझे और अभी घूमने की आवश्यकता है,
लगभग 200-250 गांव का दौरा करूंगा, और जिस हिसाब से अब तक जो 4-5 दर्जन गांवों का यानी कि 60-70 गांवों का हमने दौरा किया है, अब तक जो फीडबैक हमें मिला है, लोगों का प्यार सम्मान स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति कहने में नहीं होगी कि अगर मजबूती से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए तो जहानाबाद इस बार इतिहास कायम करेगा।